आप सबका मेरे चैनल आहार अंजलि में हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बाजार जैसा स्पंजी ढोकला। घर पर सिर्फ 12 मिनट में, ना कुकर ना ओवन, बिना पानी उबाले, सिर्फ फ्राई पैन में। आज हम बनाने वाले हैं बाजार जैसा स्पंजी ढोकला। ना ओवन ना उबाला हुआ पानी, सिर्फ 12 मिनट में, बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं, गारंटी। इसके लिए हमने लिया 2.5 कटोरी बेसन, आधा कटोरी रवा, आधा कटोरी पीसी हुई शक्कर, एक नींबू का रस, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच नमक। इसमें 350 ml पानी मिलाए, एक टेबलस्पून तेल डाले। अब इसे एक ही डायरेक्शन में गोल गोल फेंट ले। अब हम डबल हीटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमने गैस पर 5 मिनट के लिए तवा गरम कर लिया है। एक फ्राई पैन को हल्का सा तेल लगाया है और उसे गरम तवे पर रख दिया है। अब फ्राई पैन गरम हो चुका है, हम इसमें ढोकले का बैटर, अब इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट तक ढक्कन रख के ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब ये फुल रहा है। अब हम इसे 60 मिनट तक ऐसे ही ढक कर रख देंगे लो फ्लेम पर। ढोकला सिर्फ 12 मिनट में तैयार हो चुका है। अब ये कितना फुल चुका है। हमने ढोकले का बैटर फ्राई पैन के आधे से कम हिस्से तक ही लिया था, लेकिन अब ये ढोकला फ्राई पैन के ऊपरी हिस्से तक फुल चुका है। ये ढोकले का निचला हिस्सा है, कितना गोल्डन, हल्का सा ब्राउन हुआ है। ये ढोकले का ऊपरी हिस्सा है, कितना स्पंजी हो चुका है। ये कितना अच्छा सा फूल गया है। हम इसमें स्टिक डालने वाले हैं। इस पर कुछ भी नहीं चिपका है, हमारा ढोकला कितना नॉनस्टिकी हुआ है। अब हम इसे कोरिएंडर लीव्स से गार्निश करेंगे, हरे धनिये से सजाएंगे। इसके साथ हरी मिर्च भी बहुत अच्छी लगती है। इसे हम काट लेंगे। अभी कितना स्पंजी हो गया है। बाजार जैसा स्पंजी ढोकला 12 मिनट में घर पर बनाए, ना कुकर ना ओवन ना उबला हुआ पानी, सिर्फ फ्राई पैन में। तो कैसा लगा आपको ये स्पंजी ढोकला, कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल आहार अंजलि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें, आपके परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Gracias.